अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से शो होता है टू यूज़ मैसेजेस मेक इट योर डिफ़ॉल्ट SMS ऐप, जब आप अपने फ़ोन में मैसेजेस को ओपन करते हैं, यहाँ से जब हम मैसेजेस को ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस मैसेजेस ऐप को यूज़ करना है तो आपको इसे डिफ़ॉल्ट SMS ऐप बनाना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आप इस प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपके फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट ऐप है वो SMS के लिए वो अभी मैसेजेस सेट नहीं है, तो आपको यहाँ से उसको डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर देना है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है सेट मैसेजेस एज योर डिफ़ॉल्ट SMS ऐप। अभी मैसेजेस यहाँ पर डिफ़ॉल्ट SMS ऐप नहीं है, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और इसको यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है, तो आपके जो है सारे मैसेजेस यहाँ पर शो होना जो है स्टार्ट हो जाएंगे और आप मैसेजेस ऐप को नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। आप मैसेजेस ऐप को तब भी नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे जब आप इसे SMS के लिए डिफ़ॉल्ट ऐप सेट रखेंगे। अगर आप किसी दूसरी ऐप को डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर देते हैं तो मैसेजेस ऐप जो है वर्क नहीं करेगी और इस तरीके से लिखा आएगा जो अभी लिखा आ रहा था। तो आप यहां से सेटिंग्स में ऐप्स में आकर डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आकर जो है डिफ़ॉल्ट SMS ऐप सेट कर सकते हैं, ठीक है, ईज़िली। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आप जो है अलग अलग फंक्शंस के लिए डिफ़ॉल्ट ऐप चूज़ कर सकते हैं आसानी से।